तुम्हारी आंखों में प्रतिवाद का रंग क्यों है पुत्र? यदि मैं ये देखूं कि पुत्र तो मैं हूं पर आपका स्नेह अर्जुन को मिल रहा है तो मेरी आंखों में प्रतिवाद का रंग तो आएगा ही। तुमने कहा था कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो, तुम्हें मेरा पुत्र विधाता ने बनाया है, परंतु तुम सबको अपना शिष्य मैंने स्वयं बनाया है। ये गुरुकुल है, मेरे घर का आंगन नहीं। आंगन पर तुमसे अधिक अधिकार किसी का नहीं है, परंतु गुरुकुल में उसका अधिकार अधिक होगा जो सबसे अच्छा शिष्य होगा। अर्जुन तो वो नर है अश्वत्थामा, जिसके कारण हमें नारायण के दर्शन होंगे। परीक्षा लिए बिना ही गुरु ने यह निर्णय कैसे ले लिया कि अर्जुन ही उत्तम शिष्य है? ठीक है, तुम्हारे संतोष के लिए परीक्षा ले ही लेते हैं, आओ। राजकुमारों, इस वृक्ष पर एक पक्षी रूपी यंत्र है जो तुम सबका लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर जी। गुरुदेव। लक्ष्य साधो। क्या देख रहे हो? आकाश, पृथ्वी। नहीं, दुर्योधन। जी गुरुदेव। इस वृक्ष पर एक पक्षी है। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आ गया गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियों में छुपा हुआ एक पक्षी गुरुदेव। ठीक है। वाण चलाऊं? नहीं। जी गुरुदेव। अश्वत्थामा। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छिपा हुआ यंत्र। ठीक है, जा। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आ गया गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। और अब? अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। ठीक है वत्स, धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका यह शिष्य क्षमा चाहता है गुरुदेव। तुम तो मेरा जीवन प्रकाश हो पुत्र, परंतु ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को दीमक की भांति चाट जाती है। द्रोण के उत्तराधिकारी तुम हो, परंतु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुधर शिष्य ये कुंती पुत्र अर्जुन है।